मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कल रात को मैंने बताया था, मैं मेकअप के साथ ही सो गई थी, बिकॉज इतना ज़्यादा थक चुके थे, सुबह से लगे हुए थे सुबह, और रात तक तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि मेकअप भी रिमूव करे, तो ऐसे कैसे सो गए। सारा जो मेकअप था आईज के नीचे आ गया। अभी बस फेस वॉश करूँगी, उठी हूँ तो मैंने सोचा बताऊँ। एंड कल का तो बहुत अच्छा रहा, मतलब मज़ा आया कल ना फंक्शन मतलब सत्संग में बहुत मज़ा आया। तो आज मैं अपना ना आई गेस आपको टाइटल्स का पता चल ही गया होगा, तो आज मैं फ़ोन लेने जा रही हूँ आज अपना। एक्चुअली मेरे पास है अभी दो फ़ोन है, बट मुझे अपग्रेड करना है फ़ोन। मेरा चार्जर जो डेटा केबल है ना, डेटा केबल भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। कल भी मैंने ललिता मासी से चार्जर मंगवाया, मेरा जो चार्जर था वो काम ही नहीं कर रहा था। और फ़ोन भी लाइक अब नया लेना है, मैं लूँगी 14 ले रही हूँ मैं, बिकॉज मुझे लेना नया फ़ोन लेना ना। अभी बस थोड़ा सारा कुछ घर का काम वाम समेट कर फिर 1.5-2 बजे के करीब जाऊँगी पैसिफिक मॉल से अपने यहीं से लूँगी। तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आप लोगों को दिखाऊँगी। एंड पर्पल कलर ले रही हूँ, अभी मैं तो फ़ोन पे भी बात करती हूँ। यूनी स्टोर है ना, यूनिकॉर्न स्टोर होता है वो, है पैसिफिक मॉल पे, तो उनसे बात करती हूँ। पर्पल फ़ोन अवेलेबल है ना, अभी फ़ोन पे सारी डिलीवरी पता कर लेती हूँ। तो अब जैसे ही मैं निकलूँगी तो आपको भी दिखाऊँगी। तो आइए आज की हम ब्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। गुरु जी का दरबार भी हमने मतलब रात से यहीं पे था, तो मम्मी मैं पापा हम तीनों ना यहीं पे मैट्स पे ही सोए थे, बिकॉज जब दरबार लगा होता था वहाँ पे एक किसी ना किसी बंदे को सोना ही होता है। तो काकू नानी मामा अंदर सो गए थे, हम इधर तीनों सोए थे। अभी सब समेटेंगे दरबार भी, फिर अब बहुत प्यारा दरबार बना था सच में। दोनों गिर ही गए, हमेशा गिर ही जाते हैं वाले फ्लावर, और सबसे सुंदर ये वाला मैट है। एंड आप लोग हमसे पूछेंगे मैट, मैंने कल भी ब्लॉग में बताया था मुझे इस मैट का नहीं पता, बस सोनिया दीदी लाते हैं तो उन्हीं से ले लेते हैं। तो ऐसे ही बस सबके सत्संग में चल रहा है, तो ठीक है जब तक चलता है, जब तक गुरु जी की मर्जी चलती रहेगी मैट एकदम सही सलामत रहेगा। बहुत प्यारा मैट बना हुआ, फ्लावर्स पूरे बने हुए, बहुत प्यारा। अब जाकर सारा का सारा घर पहले वाली उसमें अपनी जो इनका फर्नीचर जहाँ जहाँ पे सेटअप था वैसे हुआ है, वहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया। जो भी ये मैट वगैरह थे, जो जिसके हैं तो उसको अब एक एक करके दे देंगे, कुछ मासी के हैं, कुछ ललिता मासी, कुछ कंचन मासी के। तो पूरे घर का तो मैंने मतलब दोपहर हो गई साफ करते 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 करते, तो दूसरा रूम भी मेरा रूम भी हो ही गया पूरा, अच्छे से सारा मैंने सेट कर दिया है। बहुत वो लग जाता है, और अभी तक मेरी हालत वैसी की वैसी है। मैं भी बस अब जाती हूँ नहाने के लिए, नहाकर फिर मम्मी और मैं जा रहे हैं पैसिफिक मॉल। पैसिफिक मॉल से फिर मोबाइल लेकर आते हैं, ये वाला तो मोबाइल मेरे पास ही रहेगा। तो देखते हैं अभी मैंने फ़ोन पे बात भी नहीं करी यूनो से ना, अभी यूनिकॉर्न है ना, उनसे बात करती हूँ, देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। बस अब निकलती हूँ, फिर अपडेट देती हूँ आपको फ़ोन का। तो आज तो मैं वैसे बहुत एक्साइटेड हूँ, फ़ोन आ रहा है तो खुशी तो होती है, कोई भी चीज़ नहीं लो तो बहुत खुशी होती है। नहा कर ही आई थी, मैंने देखा मासी आ रखे, मासी अंकल दोनों आ रखे हैं, मटर के लिए नानी को हाथ ही काम पे लगा दिया मटर के लिए। वो पूछी खाती है ना मटर शौक से, वो नहीं चलने देती। अच्छा डेढ़ किलो खा जाती है, खाती है मटर खाती है और हजम नहीं होते। मैं 1 किलो नहीं खाती, मैं क्या करती हूँ एक मटर छीलती हूँ, उसमें से एक दाना मेरे मुंह में होता है नरम, वो मीठे मीठे वाले मेरे को टेस्टी लगते हैं ना, मटर बहुत टेस्टी लगते हैं। नानी कहती थी मेरे को मटर लेके देगी तो फिर मैं कहाँ से लूँ, अपने घर से इसको छीन के भेज देती हूँ। अपने घर होते तो 20 रुपए किलो मिल जाते हैं। अच्छा यहाँ 30 लाई कहे मैं तो मतलब 20 रुपए। चलो कोई नहीं, हम भी बस मैंने कहा फोन लेने जा रहे हैं, फोन ले आती हूँ, बड़ी परेशान है। 14 ले रही हूँ मासी मैं तो, 14 ले रही हूँ, फिर पुराना लेने का फायदा नहीं है ना, 14 ले रही हूँ मैं ना। बस अभी जाती हूँ, मम्मी हो गए रेडी ना, चलो चलते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मम्मी ललिता मासी और आप हो गए ना, चलो मैं कहा दिखा वीडियो बना लेती हूँ, चलते हैं। चलो फाइनली बाज फोन आ ही रहा है, चलो जल्दी बस पैसिफिक मॉल तो पहुँच गया, बस चलते हैं अंदर, फ़ोन लेते हैं जल्दी से। यूनी स्टोर पे ही आए हैं, तो ये वाला फ़ोन मैं ले रही हूँ iPhone 14। अभी बस भैया से बात बात कर रही है, तो पर्पल शेड में ही ले रही हूँ, बाकी 14 Plus तो बहुत बड़ा है, तो 14 ही लूँगी मैं। अभी इसकी MRP तो 80,000 दे रखी है, तो अभी बात करते हैं क्या ऑफर्स है, क्या स्कीम्स क्या चल रही है यहाँ पे। फाइनली फ़ोन आ गया मेरे हैंड्स में, तो मैंने iPhone 14 ही लिया है, घर से मैं बता कर चल रही थी, बस अभी अनबॉक्स करवाना है, टेम्पर है। एंड इन्होंने ये वाला केस उसमें है ना, हाँ
ये वाला केस मिला है, तो ये फ्री नहीं मिला। बहुत से लोग सोचे कि फ्री नहीं मिला, टेम्पररी इसका अलग से प्राइस है, 2500 है, तो इनकी स्कीम थी। एंड प्लस मैंने ये चार्जर भी लिया, बिकॉज मेरे वाला चार्जर खराब हो गया था। फाइनली कर रही हूँ अनबॉक्स। पर्पल कलर में ही लिया है मैंने, क्योंकि मुझे पर्पल कलर ही पसंद था। अभी धीरे धीरे पूरी ओपनिंग करते हैं, तो इसके साथ मुझे सिर्फ डेटा केबल मिला है। आफ्टर सिर्फ डेटा केबल ही देता है और कुछ भी नहीं है बॉक्स में, तो अभी इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। आए अभी फूड कोर्ट पे, नए फोन से मम्मी ब्लॉगिंग हो रही है। पीछे देखो सारा ना, मतलब अभी आपको मैं दिखाऊंगी, बैकग्राउंड ना थोड़ा वो हो गया है, ब्लर हो गया, जैसे इफेक्ट आता था अच्छे वाला वो हो गया। तो हमने लिए है ये बर्गर किंग से भी लिए है, फ्रेंच फ्राइज लिए और कोल्ड कॉफ़ी ले लिए। चलो खाते हैं, फिर चलते घर। नानी उठो, ये देखो फोन आ गया नया। चलो ये देखो, मुबारक है। थैंक यू नानी, बहुत बहुत मुबारक। ये देखो फोन कैसा लगा है? अच्छा लगा है। फोन सही लगा? हाँ। उठो जाओ, जैसा आपका मन करे। हाँ। अभी आपकी देखो इसे फोटो क्लिक करते हैं, तैयार होके आपको तैयार करके। ये देखो पर्पल कलर लिया है नानी। अच्छा। अभी तो पुराने फोन से बना रही हूँ, अब नए फोन से बनाऊंगी। देखो पर्पल कलर ले लिया ना ये वाला। अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ सही है ना? हाँ, 80,000 का है फोन। हाँ, पैसे हाँ। हमें पता नहीं कितने का पड़ा, अभी हिसाब लगाते है, क्योंकि ऊपर से बड़ी चीजें ले ली है। चार्जर भी ले आई। अच्छा। ये खराब हो रहा था, फिर इन्होंने कवर दे दिया। हाँ। और ये कवर है, टेम्पर भी लगाया। 2500 का काकू कवर और टेम्पर। अगर नहीं ले रहे थे ना। हाँ। तो हमें वो नहीं दे रहे थे, 14% डिस्काउंट नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो हमें लेना ही पड़ा 14,000 डिस्काउंट, समझ रहे कितना ज्यादा है। चलो सही है, अब सही है ना नानी। अब इसी से वीडियो बनेगी। अब अभी बस सेटिंग करने में लगी हुई हूँ फोन की, अभी सेटिंग करती हूँ। 4 बज गए हैं मेरे पास। मुझसे बहुत से लोग पूछते थे आपके पास कौन कौन से फोन है। मेरे पास AK7 है, जिससे शूट करती थी, व्लॉग बनाती थी, वो है मेरे पास XR। तो मेरे पास 2 आईफोन, अब ये तीसरा आईफोन हो गया। ये मैं काकू को दे दूंगी, काकू कह रहा है मेरे को दे दी हूँ। तो ये वाला चार्जर अब 1900 का मैंने अलग से खरीदा है, तो क्या कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ना बिल उसका भी पूछते हैं कि कितने का आया कितने का आया, तो मैं आपको इसका बता देती हूँ। तो ये मुझे पड़ा है 68,714 का फोन पड़ा है, 1900 का चार्जर आया है, और 1400 और 1100 इन्होंने टेम्पर ग्लास और उसके लिए है, क्या कहते हैं ये कवर के, तो ये इनके चार्जेस लगे हैं। जब से आई हूँ तब से मैं बस आईफोन की सेटिंग में ही लगी पड़ी हूँ। तो फोन तो देखिए कितना सुंदर कलर है, लेवेंडर सा शेड है, बहुत प्यारा शेड है। तो अब बस मैं का थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। दूसरा जो ब्लॉग का पार्ट है वो अभी तक मैंने एडिट ही नहीं करा, वो ब्लॉग एडिट करती हूँ। बस अब धीरे धीरे फ़ोन की सेटिंग होती ही रहेगी। तो अभी पापा को भी फ़ोन नहीं दिखाया, फ़ोन पे ही बात हुई थी। अब मैं सोच रही शॉप पे जाके पापा को भी फ़ोन दिखा देती हूँ। बहुत मतलब प्यारा सा फ़ोन है, मतलब टच वुड बहुत प्यारा लगा मुझे तो। नानी मम्मी घर पे बैठे हुए थे, नानी इतने दिन से जब से मतलब 2 दिन से आए हैं घर पे बैठे हुए, मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर चलो। नानी फिर कह रही चलो ललता मासी घर ही चलते हैं ना। आप ऐसा करना, मैं पापा को फ़ोन दिखायाती हूँ शॉप पर, और मैं पैदल पैदल जाती हूँ, नानी को रिक्शे पे ले जाओ, फिर नानी इतना नहीं चल पाएगी ना। हाँ वैसे तो है तो 7-8 मिनट का, फिर भी ज़्यादा चलते चलते ज़्यादा हो जाता है। नानी ठीक है, आप रिक्शे पे आ जाना, मैं फिर नहीं, दूर है मम्मी, दूर है। हाँ नानी वो बाइक पे भी नहीं बैठ पाते ना, कि पापा छोड़ आते अंदर तक, फिर आप रिक्शा ही कर लो, यहीं से रिक्शा कर लो। हाँ मासी घर पहुंच ही गए उड़कते पुड़कते। मासी इधर तो कोई है ही नहीं। मासी कहाँ गए? कहाँ है मम्मी? मम्मी कहाँ है? पूछू मम्मी कहाँ है? ये पूछू, ये आपको देख कर नानी। आ जाओ आ जाओ बैठे। अब नानी आपको पकड़ेगी, पूछी सुखाने, और हम यहाँ पे ये देखो पूछी को, हमने कहा पूछी बता कहाँ है मम्मी। ऊपर थी सबसे पहले, नीचे कूद के आई है। हाँ समझ गई थी कि हम आ गई है। अच्छा ये पहले आ गई? हाय मम्मी के पीछे पागल है ये। मासी हाय ले आए थे पूछी। नानी आपको देख रही है आज, आज आपको देख रही है। उसको प्यार चाहिए, पहली बार देखा है मेरे को, पहली बार देखा। बात कर रही है आपसे। अभी ना हम आए हैं तो यहाँ पे हम प्रैंक वीडियो शूट कर रहे हैं अंकल के। अंकल है ना ये जीरा सिप डाल रखा, और ये दिखा रहे हैं कि अंकल विस्की पी रहे। तो ये वाली आपको प्रैंक वीडियो मासी के चैनल पे दिखेगी, बहुत अच्छी बनी है वीडियो। अंकल की तो एक्टिंग
अभी आधी है, अभी आधी कर रखी है, अभी जीरा सिपकी। अभी मम्मी कैसा लगा टेस्ट, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट, सही लगा। चलो ठीक। आज अंकल हम सबके लिए लेकर आए हैं गोलगप्पे, और वो भी दो दो पानी, एक मीठे वाला और एक ये जो खट्टा पानी होता है। वाह अंकल, आज तो आज आपको पता चला आपकी सासू माँ आ रही है। सासू माँ आ रही है। एक्चुअली क्या है, उसके पास ना पानी ना थोड़ा ठंडा कम था, तो मैं घर में जाके बर्फ डाल लेते हैं। सही करो, कैसी गंदी मंदी बर्फ, मैं नहीं घर में डालते। नहीं सही है। और नानी अब तो देख लो आपका आते फायदा हो गया, गोलगप्पे दो दो पानी वाले फायदे। ये लो गोलगप्पे भी आ गए। चलो कह रही हूँ, आज तक तो इन्होंने कोई ऐसा ड्रामा किया नहीं है, 31 साल में ये क्या ड्रामा कर रहे हैं ये। हाँ प्रैंक वीडियो का बहुत सही बनी थी। हाँ चलो अब गोलगप्पा पार्टी। गाइस आप भी खा सकते हो गोलगप्पे। हाँ वीडियो में देख देख के खाइए। चलना नहीं मम्मी, टाइम देख रही, 8:30 हो गए हैं। आप चलोगे फिर खाना बनाना है? मुझे नहीं तो मुझे आलस आ गई। हाँ आपको पहले आधा घंटा रेस्ट चाहिए, उसके बाद ही आप बना पाओगे। हाँ मम्मी को आधा घंटा, मम्मी थक जाती है ना फिर। नहीं थक गई मम्मी, थक जाती है मम्मी ना। हाँ गाजर मेरे पास पड़ी है, मैं भी यही सोच रही हूँ, गाजर आलू मटर गोभी ना डालू। गोभी आप खाते तो डाल लो, पर हमारे को काकू नहीं खाता ना। हाँ काकू नहीं खाता, मैं आलू गाजर मटर। आप ऐसा करो मम्मी नानी को रिक्शे पे ले जाओ, मैं पापा की शॉप से होते चलती हूँ। जो सामान लाना बता दो, मैं बता देती हूँ। हाँ ले आती हूँ मैं। पे मासी कन्नू का ड्रॉर साफ करवा रहे हैं, गर्मी आ गई है ना। मैंने भी अपने गर्मियों के आते ही कपड़े निकाले हैं। हर साल यही होता है, जीना के और कन्नू का ढेर कपड़े बचे हैं। मैं भी आकर ना चंडीगढ़ से आते सबसे पहले गर्मियों के कपड़े निकाले, पता ही नहीं था इतनी गर्मी हो जाएगी। और कन्नू तो कल आया नहीं भाई। अरे घर में कोई होना चाहिए। हाँ ये देख मैंने न्यू फोन ले लिया है, तूने कंग्रेचुलेशन अब करी है। पुराना पड़ा हुआ है, पुराना बहुत ज्यादा ही पुराना हो गया है। ये वाले रख लो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हम जाते हैं, आप फिर अंकल के साथ आ जाना, बैठ जो। हाँ हाँ कन्नू छोड़ देगा। हाँ चलो स्कूटी पे छोड़ाएगा। हाँ स्कूटी पे छोड़ाएगा। हाँ बाप आए हो फिर आप इतना निकल भी नहीं पाते। हम जाते हैं ठीक है, फिर आप आ जाना जब आपका मन करेगा ना। नहीं मैं तो कह रह लो, अब वो कह रही कि मामा नहीं है। नहीं मामा उधर है ना। हाँ मामा का ना मन भी नहीं लग रहा था। मामा का टेस्ट करवाना है। हाँ हाँ आपको ना आ जाएगा, मैं टेस्ट करवाता हूँ। ठीक है ठीक है, ऐसे ही रहते ही है। हाँ पास में ही है नानी। आज कौन आया हमारे घर में? ये है मम्मी के मामा जी, आज घर पे आए हुए। पापा के बर्थडे पे कल आ नहीं पाए थे, मामा जी को काम था, और नानी भी यहीं पे। नानी ने कहा आज यहीं पे आ जाओ, मिल लो आज। है नानी आए गए आज मामा जी। सबको मना कर सकते, बहन को मना नहीं कर सकते। हाँ वो नहीं मना हो सकता। और देखो बर्थडे बॉय थोड़ा लेट हो गए, बर्थडे बॉय में मिलने से एक दिन लेट हो गए। कल था बर्थडे, सत्संग हमने मिस कर दिया। पर हमने देखो सत्संग की सारी चीजें दी, लाहौरी जीरा दिया है, अंगूर दिया है, अभी आप कुछ जो मांगोगे सब आपको मिलेगा। हलवा भी है देखो, सब चीजें। कल वाला आपको सब पूरा सत्संग का वो आएगा खाने। मैंने डिनर में बनाई है आलू गाजर मटर की सब्जी, बिना प्याज की ही है, सो देट गोपू भी खा सके। तो अभी एक रोटी खाई है, और कल वाली ये सत्संग वाली हरी चटनी बची हुई थी, साथ में है सलाद। बस सही है मामा जी, सही बनी है, बहुत बढ़िया टेस्टी बनी है। मजा आ गया खाने में, खाने में मजा आ गया। खाना ही अलग है। आ जाया करो जब मन करे, अपना पर्सनल ढाबा है, आ जाया करो। आना ही पड़ेगा मजबूरी। हाँ का ढाबा है, खाना ही पड़ेगा। जा रहे मामा जी? हाँ चलो प्रसाद वो खिला देना घर पे। पैकेट कहाँ गया? तेरे हाथ में काकू, पैकेट तो दे। मामा जा रहे है, पैकेट अपने हाथ में है। चलो बाय मामा जी, आते रहना। हाँ आप कल व्लॉग में जरूर देखना, 12 बजे व्लॉग आ जाएगा। ठीक है ठीक है। आज का तो व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। एंड आज का दिन तो टच शूट बहुत अच्छे से ही गया है, तो आई होप आने वाले दिन भी ऐसे ही जाते रहे अच्छे अच्छे से। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। और मैं ना मतलब कमेंट्स मम्मी और मैं पढ़ रहे थे, जो हमने पापा के बर्थडे का डाल रखा था व्लॉग, उस पर बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आए, तो थैंक यू सो मच इतनी सारी बर्थडे विशेस देने के लिए। पापा को थोड़े बिजी थे कल से, अब हम आप सबके कमेंट्स जो हम कमेंट्स रीड करने वाला व्लॉग बना देना वो कल से हम जरूर पढ़ेंगे। तो बस मैं अब जाती फेस वॉश वगैरह करने, फिर सोती हूँ। कल तो मेकअप मिस हो गई थी, आज भी मेरे को पिंपल आ गया, कल मेकअप मिस हो गई थी बिकॉज कल हिम्मत ही नहीं थी। तो मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो टाटा बाय बाय।